दोस्तों, इस दुनिया में कितनी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी क्यों ना विकसित कर ली जाए, उसके फेल होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। जैसे जिंदगी को एक दिन मौत का मजा चखना होता है, वैसे ही एक दिन टेक्नोलॉजीज को भी फेल्योर का सामना करना पड़ता है। इस दुनिया में हवाई यात्रा को सबसे ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित माना जाता है, पर अफसोस, यात्रा के लिए सुरक्षित माना जाने वाला ये साधन भी हादसों से अछूता नहीं है। उड़ान से पहले हर विमान के प्रत्येक इम्पोर्टेंट पार्ट्स की बारीकी से जांच की जाती है। इसके बावजूद हर साल छोटे बड़े हादसों को मिलाकर कमोबेश 100 फ्लाइट हादसे का शिकार हो जाती हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक विमान हादसों के बारे में बताते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा और साथ में बगल में दिख रही घंटी को भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों, आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक्स, तो उम्मीद है आप पूरा करवा देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, लाइन एयर फ्लाइट 610। अपने शेड्यूल के अनुसार 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशियन एयरलाइन लाइन एयर की फ्लाइट JT610 ने जकार्ता एयरपोर्ट से पंकाल पिनांग के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट में 8 क्रू मेंबर समेत कुल 189 लोग सवार थे। टेक ऑफ के 13 मिनट बाद ही विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान जावा समंदर में जा गिरा। इस भयंकर विमान हादसे में एक भी इंसान की जान नहीं बच सकी। ये प्लेन क्रैश इतना भयानक था, वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हादसे के बाद इंसानों के शरीर के अवशेष और विमान के मलबे 280 किलोमीटर दूर तक फैल गए थे। नंबर 2, इजिप्ट एयर फ्लाइट A320। 19 मई 2016 को फ्रांस के पेरिस एयरपोर्ट से मिस्र के कायरो शहर के लिए उड़ान भरने वाला ये विमान अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। विमान में कुल 66 लोग सवार थे, जिसमें 56 पैसेंजर्स, 3 सिक्योरिटी पर्सनल और 7 क्रू मेंबर्स शामिल थे। एयरबस A320-232 मॉडल का ये एयरक्राफ्ट 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। फ्लाइट को उड़ान भरे हुए 3 घंटे 25 मिनट बीत चुके थे और इसकी मंजिल मात्र 40 मिनट दूर थी। तभी अचानक मिस्र के एयर कंट्रोल रूम से इस फ्लाइट का कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटने के बाद फ्लाइट भूमध्य सागर में क्रैश कर गया। क्रैश के 4 हफ्ते बाद फ्लाइट का कुछ मलबा अलेक्जेंड्रिया शहर से 290 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में मिला। नंबर 3, ट्रांस एशिया एयरवेज फ्लाइट 235। 4 फरवरी 2015 को ट्रांस एशिया एयरवेज की फ्लाइट ने ताइपी से किनमैन के लिए उड़ान भरी। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस विमान में 53 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान के 2 मिनट बाद फ्लाइट बमुश्किल 1500 फीट की ऊंचाई हासिल कर सका था। तभी विमान के इंजन से निकलने वाली आग पर पायलट की नजर पड़ी। पायलट ने तुरंत ही इस घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दे दी। इसके बाद कंट्रोल रूम से विमान का कनेक्शन टूट गया। आग लगने के समय विमान का दूसरा इंजन काम कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश इंजन भी बंद हो गया। विमान हाईवे को क्रॉस करते हुए एक नदी में क्रैश कर गया। क्रैश होने से पहले विमान एक तरफ झुक गया था, जिस वजह से इसके विंग से एक टैक्सी में सवार 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस प्लेन क्रैश में 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो किस राज्य, किस जिले या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। नंबर 4, रशियन एयरलाइन मेट्रोजेट फ्लाइट 9268। 31 अक्टूबर 2015 को रशियन एयरलाइन की फ्लाइट मेट्रोजेट फ्लाइट 9268 ने मिस्र के शामल शेख इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 224 लोग सवार थे। उड़ान भरने के 23 मिनट बाद ही कंट्रोल रूम से विमान का कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूट जाने के बाद तमाम कोशिशों के बावजूद विमान का सुराग नहीं मिल सका। बाद में तलाशी अभियान के दौरान विमान का मलबा सिनाई की पहाड़ियों पर मिला। ये विमान क्रैश हो चुका था और इसमें सवार सभी 224 लोगों की मौत हो गई। बाद में जांच रिपोर्ट में ऐसी आशंका जताई गई कि इस विमान को आतंकवादियों ने बॉम्ब से उड़ा दिया है। नंबर 5, ताजिक एयरप्लेन क्रैश। 28 अगस्त 1993 को हुई ये प्लेन क्रैश ताजिकिस्तान के इतिहास की सबसे भयावह प्लेन क्रैश है। ये क्रैश यात्रियों के ओवरलोड की वजह से हुई थी। उस समय ताजिकिस्तान सिविल वॉर से जूझ रहा था और खोरोग एयरपोर्ट विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका था। विद्रोहियों ने 28 यात्रियों की क्षमता वाले फ्लाइट में 81 यात्रियों को सवार कर दिया। 81 यात्रियों के अलावा विमान में
5 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। पायलट्स ने जब टेक ऑफ से मना किया तब विद्रोहियों ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी। धमकी मिलने पर पायलट्स ने टेक ऑफ की तैयारी शुरू की। रनवे पर दौड़ते समय ही विमान में परेशानी आने लगी और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी थोड़ी ही दूर जाने के बाद विमान एक नदी में क्रैश कर गया। इस क्रैश में 82 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बच सके। एंड लास्ट नंबर 6, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 257। इंडियन एयरलाइंस की ये फ्लाइट 16 अगस्त 1991 को कोलकाता से इम्फाल जा रही थी। विमान में 63 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। मंजिल करीब आने पर विमान अपनी ऊंचाई कम करने लगा। विमान जब 4,900 फीट की ऊंचाई पर था तभी इम्फाल एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से इसका कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटने के बाद ये विमान इम्फाल एयरपोर्ट से 37 किलोमीटर पहले ही थांगजिंग पहाड़ियों पर क्रैश कर गया और इस विमान में सवार सभी 69 लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा प्लेन क्रैश आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।